पिछले काफी समय से वकीलों के खिलाफ होने वाली शिकायतों के मामले को ध्यान में रखकर द सूरत डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदस्य द्वारा सूरत शहर पुलिस कमिश्नर को लेखित में रजूआत की गई। आपको बता दें कि वकीलों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस जांच के बगैर ही किसी भी मामले में वकीलों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। बार एसोसिएशन द्वारा की गई रजूआत में तीन मामलों को ध्यान में रखकर वकीलों द्वारा सूरत शहर पुलिस कमिश्नर को बताया गया कि पिछले दो से तीन महीनों में बार एसोसिएशन के तीन जितने वकीलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जिसके संदर्भ में पुलिस द्वारा वकीलों से पूछताछ भी नहीं की गई थी, जिसके कारण समाज में वकीलों की बदनामी हो और जिसका असर उनके स्टेटस पर पड़े। इस मुद्दे को ध्यान में रखकर द सूरत डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा सूरत शहर पुलिस कमिश्नर को रजूआत की गई और पुलिस द्वारा किसी भी मामले की जांच पड़ताल किए बगैर ही किसी भी वकील को गिरफ्तार नहीं किया जाए, ऐसी अपील भी बार एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा की गई, जिसमें कमिश्नर साहब ने हकारात्मक अभिगम दिया। इस अवसर पर काफी बड़ी संख्या में वकील उपस्थित रहे। आज सीपी साहब ने रजूआत में एवं छेल्ला घना समय थी वकीलों पर फरियाद दाखल करा थाय छे अने ए फरियादो घणी वक्त खोटी रीते दाखल करवामां आवती होय ते संदर्भे सीपी साहेबनो ध्यान दोरवा माटे आव्या हता अने सीपी साहेब ने रजूआत करेल के भाई कोई पण एडवोकेट होय तो एडवोकेटनी जो एडवोकेट गुनामां सामेल होय तो भले एनी सामे फरियाद दाखल करे एमां वांधो नथी, पण न होय अने खाली खोटो जो एने संડોવાઈ દેતા હોય તો એમાં પૂરતી તપાસ કરવી અને ન થતું હોય કે જે એમને કદાચ આરોપી તરીકે ન બનતો હોય તો એની સામે ગુનો દાખલ નહીં કરવો, એ બાબતની અમે રજૂઆત કરેલી હતી ને એ બાબતે સીપી સાહેબે અમને હકારાત્મક જવાબ આપ્યો છે અને કહ્યું છે કે ભાઈ આવ્યા કોઈ પણ તમારા કિસ્સા ધ્યાનમાં આવે તો તરત એમને ઇન્ફોર્મ કરવાનું અમને જણાવેલું છે અને એટલું આશ્વાસન આપ્યું છે। રિપોર્ટ બાય પરવીન પઠાણ, સમાચાર ઇન્ડિયા ન્યૂઝ, સુરત।